Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. तो so how is my YouTube family doing? Actually आ uh, मैं अपने paid courses के साथ काफी ज़्यादा busy हूँ. I really get uh, no time for YouTube these days. लेकिन मैं कोशिश करूँगी YouTube पे भी आपके लिए कुछ important videos time to time लेके आऊँ. ठीक है? तो इस video में हम discuss करने वाले हैं JK geography का मैं आपको overview दूँगी कि कैसे आपको approach करना है इस subject को. और ये जो video है ये किस basis पे मैंने बनाया है काफी रिसर्च करके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं एस में उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके इस कॉम्पोनेंट से आते हैं ठीक है तो डू वॉच द वीडियो टिल एंड लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है रिगार्डिंग माई बुक लॉन्च ठीक है तो वो सारी बातें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा जेके ज्योग्राफी एंड आपको कौन कौन से चैप्टर्स इसमें कवर करने हैं फाइन जो मेरा पेड बैच चल रहा है नाइब तहसीलदार का उनका जो है जेके हिस्ट्री वो कंप्लीट हो गया है एंड अब हमारा जेके जोग्राफी वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो अगर आप मेरे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं नाइम तहसीलदार सब इंस्पेक्टर कॉन्स्टेबल या आपका जेके एस की टेस्ट सीरीज प्रिलिम्स की जी एस वन बी एन सी सैट तो आपको क्या करना होगा नीचे जो लिंक्स दी गई उन उनपे क्लिक करना होगा वहां से आप परचेज कर सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो जे के जोग्रफी में आपको क्या पढ़ना होगा देखो एस में चाहे आप एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर आप के के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं एक आपका इंडियन जोग्रफी वाला कॉम्पोनेट रहेगा जिसमें आप इंडियन जोग्रफ़ी को फिजिकल पोलिटिकल डिविजन्स वगैरह सारा आपका फिजियोग्राफी उसकी कंप्लीट पढ़ लोगे ठीक है फिर आता है एक बड़े जोग्राफी इंडियन जोग्रफ़ी में एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर तो जैसी चीज़ें जो चीज़ें आप पूरे इंडिया की पढ़ते हो वैसे ही वही चीज़ें आपको एक स्टेट की पढ़नी है हाई तो जे के आप कैसे स्टार्ट करोगे आपको फिजियोग्राफी कवर करना होगा ये चाहे तो आप नोट्स बना सकते हो एंड अगर आप मेरे पेड बैच से हो तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जेके जोग्राफी हमारा एक दिन के बाद कॉम्पोनेंट शुरू होने वाला है उसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे तो इस फिजियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना होगा माउंटेन्स के बारे में माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट पीक्स हिलॉक्स माउंटेन पासिस ये सारी चीजें और ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ कि सिलेबस को ऐसे डिवाइड किया गया है ये किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है मेरी एक्सटेंसिव रिसर्च पे जो जेके एस एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने की है इस कॉम्पोनेंट के ठीक है तो जे एन के जोग्राफी में से कैसे क्वेश्चन जेके एस एस बी आपसे पूछती है उस पर है बेस्ड आज का वीडियो एंड उसी को हम बेस बना के हमारा जो ज्योग्रफी वाला कॉम्पोनेंट है वो कवर करेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया हमारा छूटे नहीं एक तो आपको फिजिकल ये पढ़ना होगा फिजोग्राफी जिसमें आप माउंटेन्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज योर रिवर एंड लेक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आने के चांसेस होते हैं तो अब रिवर्स को आप कैसे अप्रोच करोगे आपको जो मेजर रिवर्स हैं अभी जैसे आपने पटवारी का एग्जाम देखा होगा तो जहलम रिवर की लेंथ का भी पूछा है ठीक है तो ऐसी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको देखनी होंगी कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके सोर्सेज आपको देखने होंगे किन ग्लेशियर्स से कहाँ से वो ऑरिजिनेट होते हैं रिवर्स के नेम्स नेम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ठीक है ये जो नाम है अगर कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक फैक्ट है उस नाम से रिलेटेड एंड उस नाम का एक्चुअल जो वर्ड से जहलम है वो संस्कृत वर्ड वितास्ता से निकला है ठीक है ऐसे ही जो डिफरेंट रिवर्स हैं कश्मीर के अगर उनके नाम के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कहीं से डराइव हुए हैं या किसी एक नाम के पीछे कोई ईडियम है किसी एक नाम के पीछे कोई छोटी सी स्टोरी है तो यू शुड नो दैट ठीक है ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊँगी अपने पेज कोर्स में एंड ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है रिवर्स की ठीक है जैसे अभी और लेंथ वगैरह वो मैंने आपको बताया जैसे अभी आ, आपका पटवारी एग्जाम में आया था तो जो सारी आपको हर रिवर का लेंथ नहीं पता होना चाहिए लेकिन मेजर मेजर जो है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें आप एंड कौन सा जो रिवर है वो किस एरिया को ड्रेन करता है किस एरिया में बहता है वो रिवर बहती है वो रिवर ठीक है ड्रेनेज उसका ये सारी चीजें हम किसमें कवर करने वाले हैं रिवर्स में फिर आता है आपका लेक्स लेक्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जैसे आपको डीपेस्ट पोर्शन लेक का ठीक है लार्जेस्ट लेक स्मॉलेस्ट लेक एंड एरिया अगेन किस एरिया में है स्पेशल नेम्स ऑफ लेक्स अगेन मैंने कहा नॉमन इसको बोलते हैं कि अगर किसी एक लेक जो है वो किसी एक रीजन की वजह से वो नाम रखा गया है कोई मैथोलॉजिकल फिगर से डिराइव हुआ है किसी संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है तो ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको ठीक है तो बेसिकली जो जेके एस एस भी यहाँ से क्वेश्चन सेट करती है वो कहाँ से करती है वो आपके गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे ऐसी चीजें दी हुई होती हैं इसीलिए जो मैं हमेशा अपने कोशिश करती हूँ जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हों चाहे वो मैंने अभी सुपरवाइजर एग्जाम करा है वहाँ भी बार बार यही बात कही थी एंड बाकी भी मैं ये बोलती हूँ कि गवर्नमेंट सोर्सेज जो हैं अगर वहाँ से आपको कंटेंट मिल रहा है तो मेक दैट एज योर सोर्स गवर्नमेंट वेबसाइट या कोई गवर्नमेंट का कोई जर्नल है ठीक है गवर्नमेंट का मटेरियल है इसीलिए हम जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स को या जेके पी एस सी को रेफर बोलते हैं हमेशा कि आप रेफर करो इग्नो मटीरियल क्यों क्योंकि वो प्रिंट करती है आपकी गवर्नमेंट तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है ठीक है तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखनी होंगी रिवर्स एंड लेक्स में तो ये हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के पोर्शन में ही फिर आपको रिवर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है जहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ठीक है तो कौन से रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है वो सारी चीजें ये क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में आते हैं पहले कौन से प्रोजेक्ट से उसके बाद से क्रोनोलॉजी में भी आपको पूछा जा सकता है ईयर वाइज प्रोजेक्ट्स का नाम लिखा होगा तो आपको बोलना होगा जैसे बगले हार प्रोजेक्ट वगैरह ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं ये आपका रिवरिन लेक हो गया थर्ड वन इज योर क्लाइमेट तो क्लाइमेट भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लाइमेट से आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पैटर्न्स क्लाइमेटिक डिविजन्स क्योंकि हमें पता है जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे काफी आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा जम्मू में अलग है कश्मीर में अलग है फिर लद्दाख ऑल्दो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूर जेके यू टी नाउ लेकिन लद्दाख से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अभी भी आते हैं ठीक है थीके? तो ये सारी चीजें ये डिविजन्स जो है क्लाइमेटिक डिविजन्स ये आपको पता होने चाहिए एंड एवरेज टेम्परेचर्स वगैरह एवरेज टेम्परेचर्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से फाइन एंड जो सीजन है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ पे आप समर ऑटम स्प्रिंग विंटर चारों सीजन देखते हो एंड हर सीजन का एक कश्मीरी नेम है कश्मीरी टाइम पीरियड है कौन से कौन से मंथ तक होता है तो वो सारे लोकल सीजन उनकी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो आपको पता होने चाहिए ठीक है एंड अभी रिसेंटली आपकी सुपरवाइजर एग्जाम में कोपन क्लासिफिकेशन भी आया था तो उसके बाद भी सारे लोग परेशान हो गए थे कि पढ़ा नहीं था एक क्लासिफिकेशन वगैरह तो ये सारी चीज़ें आपको जोग्राफी में मैं कवर करवा दूंगी ठीक है उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं एग्रीकल्चर एंड क्रॉप देखो अब आप एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो ना यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके पी एस जेके एस एस बी और जेके पी एस सी और यूपीएससी फॉर दैट मैटर तो डोंट फूल यूर सेल्फ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम आप जेके एस एस बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वैसे प्रिपेयर करो कि आपका कोई एरिया ना छूटे वैसे प्रिपेयर करो कि यू हैव टू टॉप दिस एग्जाम यू हैव टू तो एस दिस एग्जाम अभी क्या हुआ रिसेंटली पटवारी एग्जाम आया आई वोंट कंसिडर दैट डिफिकल्ट ठीक है वन नॉट हायर था बाकी पेपर से अनप्रडिक्टेबल था जैसे एस एस बी नहीं पूछती है तो ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है ये हर एग्जाम के साथ बढ़ती जाएगी तो आपको यू हैव टू लीव एनी एरिया कि चलो ये कहा आएगा ये पी एस सी में नहीं आता वेन आई वॉज टीचिंग माई सुपरवाइजर स्टूडेंट्स तो काफी स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे कि हम पी एच डी थोड़ी करनी है आप हमें इतना पढ़ा रहे हो हमें पी एच डी थोड़ी करनी है एंड फिर रिजल्ट उन्होंने देखा स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पैनिक किया एंड ऑल दैट कि हमने ये नहीं पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था पर जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सारी चीजें फॉलो करी थी जो मैंने उनको बताई थी उनका काफ़ी अच्छा स्कोर आया था काफ़ी रैंक होल्डर्स जो जो थे अभी मेरिट लिस्ट निकली थी उसमें से मेरे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं क्योंकि मैं उनको बार बार बोलती थी कैन टेस्टिफाई टू दिस कि आप क्या करो आप ये नहीं सोचो कि एस एस बी कंडक्ट कर रही है यूपीएससी थोड़ी कंडक्ट कर रही है कितना ही डिफिकल्ट पूछेगी नहीं आप ये सोचो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो वही इंसान है जो कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रिपेयर करके भी बैठा होगा फाइन क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है इंडिया में जे के में यू हैव नो रीजन कि अगर आप आई प्रिपेयर कर रहे हो बीच में एसएसबी की पोस्ट आई आप वो एग्जाम ना दो देते हैं आई नो ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे आई वाले जो फिर जो एस के लिए भी साथ में प्रिपेयर करें तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिशन को बहुत ऊपर लेके जा रहा है तो इसीलिए क्या करो मतलब अगर आप लग गए हुए एस एस बी में जस्ट डोंट uh, मतलब स्टडी दिस टू सैटिस्फाई योर ईगो या पेरेंट्स को बोलने के लिए कि हाँ हम एस एस बी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं इतने सालों से ऐसे प्रिपेयर करो कि यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न ठीक है उसके बाद फिर क्या होता है फेथ कम्स इन टू प्ले ठीक है योर किस्मत कम्स इन टू प्ले वो चीजें हैं दे आर आउट ऑफ योर कंट्रोल वो आपके हाथ में नहीं है आपके हाथ में है प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन आपकी हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए ठीक है तो लेट्स कम बैक एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स अब इसमें आपको जेके में क्या पढ़ना होगा जैसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्स होंगे कोई क्रॉप्स के ठीक है एंड uh, सैफरन हमें पता है सिर्फ यहाँ पे ही ग्रो करता है तो सैफरन के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो आपको पता होने चाहिए एंड uh, खारिफ रबी क्रॉप्स ये डिविजन आपको पता होना चाहिए एंड किस क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल सूटेबल है कौन सा क्रॉप कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करता है कौन सा इंपॉर्टेंट क्रॉप ठीक है सारे तो आप नहीं कवर कर सकोगे ना लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो कैसे सॉइल एंड uh, कैसे सॉइल लैंड uh, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करता है ये आपको पता होना चाहिए किसी एक क्रॉप के साथ अगर कोई स्पेसिफिक रेवोल्यूशन का नाम एसोसिएटेड है रेवोल्यूशन जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पर्पल रेवोल्यूशन आया था ठीक है तो मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ या तो अगर आपको मेरा कोर्स परचेज करना है आप वो करो दिस इज एन एडवर्टीजमेंट आल्सो टू माय कोर्स मैं अपनी एडवर्टीजमेंट सिर्फ अपनी क्वालिटी के बेसिस पे करती हूँ एंड सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स नहीं चलाती एंड सेकेंडली इफ यू डोंट वॉन्ट टू परचेज माई कोर्स देन ऑल्सो इट्स ओके क्योंकि बुक भी आ रही है ठीक है बुक भी नहीं लेना चाहते देन ऑल्सो इट्स ओके जो मैंने आपको एक चीजें बताई हैं मेक इट एज अ गाइडलाइन अपने नोट डाउन कर लो पेपर पे एंड पे, इन चीजों पे रिसर्च करो खुद से ही ढूंढो नेट पे स्टडी Uh, government websites, government मैं उनको बोलती हूँ क्योंकि कोई एक बुक आपको अभी एस एस बी की ऐसे मार्केट में नहीं आई है जिसको आप बाइबल बुक कंसिडर करो जैसे हम पॉलिटिक के लिए लक्ष्मीकांत को कंसिडर करते हैं या सोशोलॉजी के लिए अब ऑफ लेट रिसेंट ईयर्स में नितिन सांगवान सर की बुक बन गई है ठीक है वैसी बुक आपको एस एस बी में अभी तक मार्केट में नहीं मिलेगी फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी वो सारी चीजें तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीजें ठीक एंड आपको इसमें कवर करना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल नेशनल ऑल, ठीक है तो इसमें आप क्या देखोगे स्पीशीज जो है एक्सटिंग अगर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड ये आपके थ्रटन स्पीशीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है एंड सेंचुरीज कहाँ पे नेशनल पार्क कहाँ पे है अगर उनका कोई लोकल नाम भी है वो किस एरिया में है वो सारी चीजें इसके रिगार्डिंग आपको पढ़नी है देन आपको फ्लोरा एंड फोना में जोग्रफी में ही कवर करवाऊंगी फ्लोरा फोना में अभी एक डिटो मैंने पटवारी टेस्ट सीरीज में में क्वेश्चन क्वेश्चन स्पीशीज स्पीशीज कितने नंबर ऑफ है है वो डिटो जो है आपके पटवारी एग्जाम रिसेंटली आया था ठीक है तो इसीलिए मेरी जो टेस्ट सीरीज अभी गई थी पटवारी एंड जूनियर असिस्टेंट की वो भी काफी हेल्पफुल रही थी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वो परचेज करी थी तो एक्जैक्टली exactly जो मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछा था एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन वो आपके एग्जाम में था फाइन फिर आपको इरिगेशन तो आपको इसमें क्या देखना होगा इरिगेशन में थोड़ा एरियाज़ रिवर्स के रिलेटे के रिलेटेड रिलेटेड एंड कि कौन सा रिवर्स से वो वाटर ड्रेन करते हैं तो ये सारी चीजें इरिगेशन एंड इट्स टाइप्स वगैरह में आप कवर करोगे एंड uh, थोड़ा फॉरेस्ट के बारे में भी यहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे ठीक है एट वन इज टूरिज्म टूरिज्म में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे अगर किसी एक प्लेस के साथ कोई लेक एसोसिएटेड है कोई हिल एसोसिएटेड है वो सारी चीज़ें एंड रिलीजियस टूरिज्म से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रिलीजस टूरिज़्म तो ये आप कैसे कवर करोगे रिलीजस टूरिज्म जैसे श्राइन्स इंपॉर्टेंट हो गई कि कौन सी श्राइन कहाँ पे है जो मेजर मेजर श्राइन्स जैसे हज़रत बल श्राइन एक बार ही आया था तो वो तो आपको पता ही होगा ना uh, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने नहीं सुने होंगे अभी तक एंड वो कुछ नाम जो है वो कई किंग के साथ एसोसिएटेड होंगे तो जो मैं बुक अभी लिख रही हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी एंड टेम्पल्स वगैरह ये सारी चीजें फिर आपको कुछ माइसिलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे रामसर साइट्स हो गई रामसर साइट्स ये आपके वेटलैंड एरिया से एसोसिएट तो ये वेटलैंड वगैरह ये भी हम कवर करेंगे वेजिटेशंस में एंड आपके जीआई टैग्स किस चीज को मिले हैं तो ये जी आई टैक्स भी जो है ये करंट का पोर्शन भी बन सकता है और हम इसको जोग्राफी वाले पोर्शन में भी कवर कर सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है इतना ही नहीं होगा इसमें और भी काफी चीजें होंगी जो हम कवर करेंगे ऐसे कवर करेंगे कि एटलीस्ट हम अपने एंड से कोई एक कमी ना रखें एग्जाम के लिए प्रिपेयर आपका सारा हो फाइन फिर बाद में कभी पेपर अगर ज्यादा ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा वो सबके लिए आएगा तो उन क्वेश्चन पर कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए जो क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हैं क्योंकि वो मेजोरिटी के गलत होते हैं वो आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं आपका कट ऑफ डिसाइड करते हैं वो क्वेश्चंस जो मेजॉरिटी के सही होते हैं एंड जो मेजॉरिटी के सही होंगे वो आपको गलत नहीं करके आने हैं ठीक है तो ये सारे जो टिबिट्स हैं मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे सारे वीडियोस ऐसे अपलोड किए हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करने का क्या तरीका होता है फाइन जो मैंने सुपरवाइजर का टेस्ट सीरीज में बच्चों की मॉक्स वगैरह कंडक्ट करती थी तो उसमें मैं ऑफन आई टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड अब एस में बड़ा ट्रेंड चला सुपरवाइजर एग्जाम में भी और उसके बाद अगर पटवारी का भी देखोगे तो काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आसानी भी पैदा कर सकते हैं मुश्किल भी पैदा कर सकते हैं क्योंकि तीन स्टेटमेंट्स में हो सकता है आप दो पे श्योर हो एक पे नहीं हो तो इन सारे केसेस में क्या करना चाहिए कैसे क्या सॉल्व करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी टाइम बताती रहूँगी ठीक है तो फिलहाल हम जेके ज्योग्राफी का कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं अपने नई तहसीलदार का सब इंस्पेक्टर का हमारा अभी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसके बाद उनका जेके हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा एंड कॉन्स्टेबल में अभी ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं उनका भी मैथ्स एंड इंग्लिश पोर्शन चल रहा है ठीक है तो उनका भी जेके हिस्ट्री जो है कॉन्स्टेबल का आई गेस इस वीक आ, उनका भी स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको लिंक पर क्लिक करना है अगर आप कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बिल्कुल कम प्राइस में ही कनॉल दीज ऑन इंस्टॉलमेंट्स एंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इसमें मिलने वाली है ठीक है तो क्वालिटी के लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो मैं खुद करवाती हूँ जीके पोर्शन में खुद पढ़ाती हूँ एंड जो मेरी बाकी फैकल्टी है वो काफ़ी स्क्रूटनी के बाद अपॉइंट हुई है तो वो भी आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी कश्मीर की एंड लास्ट में मैंने आपको कहा था एक अनाउंसमेंट है मेरी बुक लॉन्च की मैं एक बुक लिख रही हूँ जे के के लिए जे के एग्ज़ाम्स के लिए तो स्टार्ट मैंने किया है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जैसे जो जीके ऑफ इंडिया है वो तो आपको मिल जाता है बेसिक एनसीआर टी से नेट से भी काफी क्योंकि वो यूपीएससी को कट शॉर्ट करके आप अपना वहाँ से मटीरियल जो है बना सकते हैं लेकिन जे एंड के स्पेसिफिक मटेरियल ढूंढने में स्टूडेंट्स का काफी टाइम वेस्ट होता है एंड दे एंड ऑफ मोस्ट ऑफ़ द टाइम रिसर्चिंग ऑन थिंग्स एंड उनमें से क्या चीज़ें उनको रखनी है क्या नहीं रखनी है वो समझ नहीं पाते हैं तो इसीलिए हम स्टार्टिंग विद जे के जीके ऑफ जे एंड के वो पार्ट वन पार्ट टू में जो जीके ऑफ इंडिया है वो भी कवर हो जाएगा वो पार्ट टू में आएगी फिलहाल on तो फॉर्मेट में तो आप इसको बुक को बाद में बाई कर सकते हैं एंड uh, ये मैं काफी कॉन्फिडेंस विद ऑल माय कॉन्फिडेंस एंड विद ऑल ह्यूमिलिटी ये बात बोलती हूँ कि ऐसी बुक अभी तक मार्केट में नहीं आई है ऐसी कोई बुक जैकिस बी की नहीं है मार्केट में जिसने इतने कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर किया होगा कि आपका कोई एरिया उसके बाद नहीं छूटेगा फाइन तो आपको कोर्स परचेज करना तो मेजोरिटी आपको बेनिफिट बेनिफिट तब चीजें अगर आप कोर्स प्लस बुक लेंगे तो ऑब्वियसली बुक कोर्स भी लेंगे तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस हमेशा रहेगी अगर कोर्स नहीं लेंगे बुक लेंगे तो भी काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ठीक है तो अभी फिलहाल आई आई एम वर्किंग ऑन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के ये बुक आ जाएगी उसके बाद जीके ऑफ इंडिया उसके बाद आप डिसाइड है कि मैं रीजनिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर सेक्शन की बेसिकली जेके एस एस बी का जो हर सेक्शन होता है उस पर बुक लेके आऊँ ठीक है बट आई एम स्टार्टिंग विद जीके ऑफ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एन के पार्ट वन जिसमें आपका जेके का सारा पोर्शन आएगा देन जीके ऑफ इंडिया पार्ट टू जिसमें आपके इंडिया वाले कॉम्पोनेट्स आएंगे ठीक है तो आपने क्या करना है गो टू द लिंक बाई द कोर्स अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं दिस इज माई नंबर यू कैन कॉल कैन टेक्स्ट मी और कॉल मी ठीक है ऑफिस आवर्स के टाइम पे ऐसा नहीं हो काफ़ी लेट टेक्स्ट या कॉल करो स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं नीडोन्स टाइम टीचर के साथ बात करनी चाहिए तो टेन टू फाइव इज़ द ऑफिस टाइम ऑफिस आवर्स में आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी इस्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है मेरी बुक या कोर्सेज के रिगार्डिंग तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो बाय टेक केयर एंजॉय लाइफ हैवे अ ग्रेट डे बाय